फ्रांस ने अल्लाह के नबी गुस्ताखी की, कितना बड़ा मामला है वो। हमने लॉरियल को छोड़ दिया परचेस करना, हमने फ्रेंच प्रोडक्ट्स परचेस करना छोड़ दिए, आज हमारा बैन किधर है वो? भूल गए ना हम? हम दोबारा से लॉरियल के प्रोडक्ट्स लेते हैं, स्किन केयर ले रहे हैं, सब ले रहे हैं वो। तुम दोबारा ये सब सीज फायर होगा ना, 6 महीने इंतजार कर लें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, उम्मत भूल जाएगी, दोबारा से पेप्सी पीना, दोबारा से मैकडॉनल्ड्स खाना शुरू कर देगी, दोबारा से केएफसी जाना शुरू कर देगी, यानी जो कर सकते हैं दोबारा से फजर कजा हो रही होगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी उम्मत उठी हुई है। वल्लाही जो आज रिएक्शन उम्मत का आ रहा है ना, वी आर बीइंग हर्ड, हम पूरी दुनिया को प्रेशराइज कर रहे हैं। इतना वोकल मुसलमान कभी नहीं थे, इतना दलेर, इतना इंपैक्ट मुसलमानों ने कभी डाला। नाउ यू नो हाउ मच, हाउ पावरफुल यू आर। उनको फार को पता है कि आप पावरफुल हो, हमें नहीं पता हम पावरफुल हैं। 2 बिलियन मुस्लिम्स हैं, हर बंदा कह रहा है मैं अकेला तो हूं, नहीं अकेले नहीं हम लोग। व्हेन वी आर कलेक्टिव और हम एक कैंपेन शुरू करते हैं, देखें एज एन इन्वेस्टर मैं कभी भी उस मार्केट में स्टॉक्स परचेज नहीं करूंगा जिसे स्टॉक नीचे गिर रहे हो। मैकडॉनल्ड्स में लोगों ने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है, केएफसी में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है, स्टारबक्स में, इसमें यूनिलीवर में, प्रॉक्टर एंड गैंबल में, ये तबाह हो रहे हैं, उनको हिट लग रही है। और बेवकूफ आज मुसलमान को जैसे भी हैं जो कह रहे हैं बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होगा, या ये जो हराम फॉर एग्जांपल।